बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपनी चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कंप्यूटर क्लास 7 में लेक्चर नंबर 12 स्टडी करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लेआउट टैब के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एमएस वर्ड की डिफरेंट टैब्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने इससे पहले 3 टैब स्टडी कर ली हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब और डिज़ाइन टैब। तो इसके बाद जो चौथे नंबर की टैब है वो लेआउट टैब है, तो उसके बारे में मज़ीद स्टडी करेंगे। अगर अभी तक आपने अपनी बुक्स ओपन नहीं की तो बुक्स ओपन कर लें और इसका पेज नंबर 28 ओपन कर लें ताकि आप हम इसको मज़ीद आगे जो है वो कंटिन्यू कर सकें। तो पेज लेआउट वाली टैब आपने कैसे ओपन करनी है, यहाँ पर इसके ऊपर होम के ऊपर भी नहीं करना क्लिक, ना इंसर्ट के ऊपर, ना डिज़ाइन के ऊपर, बल्कि आपने पेज लेआउट वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इधर से ये न्यू मेन्यू जो है वो आपके सामने शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आगे से थोड़े से कटे हुए क्योंकि इधर तस्वीर पूरी की पूरी नहीं आ सकती, तो जो तस्वीर बाकी बची हुई है वो यहाँ आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, तो मुख्तसर तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ये देखें, मार्जिन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप दोनों साइडों पर देख रहे हैं कि जो फ़र्ज़ किया जो आप अपनी कापीज़ पर, मैं भी आपको कहता रहता हूँ कि अपनी कापी के ऊपर साइडों के ऊपर मार्जिन आप लगाया करें, ठीक है। तो मार्जिन का मतलब ये होता है कि जो साइड पे जो लकीरें या हाशिए लगाते हैं, जो लाइनें लगाते हैं, उनको मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेटिंग है इसके, ये हम सेटिंग कर सकते हैं कि जो हम मार्जिन लगाएँगे वो खुले खुले होंगे या तंग तंग होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो दूसरी जो इसके अंदर ऑप्शन है वो ओरिएंटेशन की ऑप्शन है। तो ओरिएंटेशन के ऑप्शन में हम देखेंगे कि ये यहाँ पर भी आप इस तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं कि आपकी जो प्रिंटिंग होगी वह सर लंबे पेज के ऊपर होगी या सर चौड़े पेज, चौड़े पेज के ऊपर होगी, यानी कि लेंथ वाइज प्रिंटिंग होगी या विड्थ वाइज प्रिंटिंग होगी। तो बेसिकली ये जो पेज लेआउट वाली टैब है ये बेसिकली जो है वो किसके मुतलिक है, प्रिंटिंग के मुतलिक है। जब आपकी जो है वो कोई प्रिंट वगैरह होंगे तो उसकी जो है वो सेटिंग्स क्या होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको सारी ये चीज़ें आपके सामने शो भी करूँगा, ठीक है, क्योंकि हम जो है वो सारा काम जो है प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं, जिस तरह आपको पता है कि एमएस वर्ड कैसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्ड एमएस वर्ड लिखा है, ठीक है, तो ये हमारे पास सामने आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है तो ये अभी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो मज़ीद हम इसके बाद देखेंगे वर्ड के ऊपर, जब ये ओपन हो जाएगा तो हम इसके अंदर मज़ीद देखेंगे कि ये ऑप्शंस कैसे होते हैं और इनको कैसे हल करते हैं, सही है। तो ये जो है वो आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कि अगर आपका कंप्यूटर जो फास्ट है तो ये फौरन वर्ड 2016 जो है वो ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आपका जो कंप्यूटर है उसकी रैम का मसला है या बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने इंस्टॉल किए हुए हैं तो ये नस्बता थोड़ा सा टाइम लेता है। जिस तरह मैंने भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अभी ओपन किए हुए हैं तो इस वजह से इसने थोड़ा सा टाइम जो है वो इसके अंदर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं एक यहाँ पर कोई भी फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। फ़ाइल ओपन करने का मकसद ये है कि मैं जो सेटिंग्स हैं वो फ़ाइल के ऊपर अप्लाई करूँगा तो आपको जो है वो मज़ीद उसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं लेआउट वाली टैब यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो लेआउट वाली टैब पे आ जाएंगे, यहाँ पर मार्जिन पर मैंने क्लिक किया तो इसमें मुख्तसर तौर पर अगर आपने नैरो मार्जिन कर लें तो इस पर कर दें, मॉडरेट मार्जिन, वाइड, इस तरह फ़र्ज़ किया मैं जो है वो ये मिरर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जब इसकी प्रिंटिंग होगी तो ये सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। सर ओरिएंटेशन पर क्लिक करूँगा तो इसको मैं लैंडस्केप कर दूँगा तो ये देखें चौड़ा हो गया है। लैंडस्केप का मतलब होता है कि चौड़ा करना और पोर्ट्रेट का मतलब लंबा करना, ठीक है। उसके बाद ये साइज़ वाली टैब है, साइज़ से मुराद ये है कि जो पेपर आप डाल रहे हैं, आप किस साइज़ का पेपर अपने जो प्रिंटर के अंदर डाल रहे हैं। जो लीगल साइज़ होता है वो सबसे बड़ा पेपर होता है, A4 से कम, इस तरह ये मुख्तलिफ साइज़ आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने मुताबिक जिस तरह आपने पेपर जो है वो अपने प्रिंटर के अंदर डाले हुए तो वो इस तरह का सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉलम का ऑप्शन है, कॉलम के ऑप्शन में आप जो है वो ये बता देंगे आप जो है वो कितने कॉलम्स आप बनाना चाहते हैं, 2 कॉलम बनाना चाहते हैं, 3 बनाना चाहते हैं या 4 बनाना चाहते हैं। आपने जो अखबारें पढ़ी हुई होंगी तो अखबारों पर आप देखते हैं कि जो भी सारी खबरें वगैरह लिखी होती हैं वो
कॉलम्स की शक्ल में लिखी होती हैं, तो वो कौन से ऑप्शन से हम करते हैं, ये यहाँ पर जो लेआउट के अंदर कॉलम्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर करते हैं। तो इसके बाद जो है वो यहाँ पर पेज ब्रेक या कॉलम ब्रेक या ये मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद किसी लाइन नंबर पर जानना हो तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, हाइपरनेशन जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो मज़ीद जो है अपनी बुक पर चलते हैं, यहाँ पर मज़ीद जो है वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये आप छोटी सी एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम जो लॉन्चर कहते हैं। तो ये पेज सेटअप का लॉन्चर होता है यहाँ पर, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सर यहाँ पर ये खुला हुआ है, तो ये मैं आपको अपने MS Word के ऊपर दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पर जो है वो लॉन्चर ये आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है, तो इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये वाली मेरे पास ये चीज़ें सारी की सारी जो है वो ओपन होकर आ चुकी हैं। बल्कि लॉन्चर ये वाला, ये मुख्तलिफ लॉन्चर दिए हैं, ये पेज सेटअप का लॉन्चर है, ये पैराग्राफ का लॉन्चर है, और ये इसमें तो खैर कोई लॉन्चर है ही नहीं, तो ये पेज सेटअप वाले लॉन्चर में हम चले जाते हैं। तो यहाँ से भी ये सारी की सारी सेटिंग्स मज़ीद अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फिर दोबारा जो है वो बुक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर मैंने आपको कॉलम्स के बारे में बता दिया, यहाँ पर मैंने आपको ब्रेक्स के बारे में बता दिया। ब्रेक का मतलब ये है कि हेडिंग सेवरल टाइप्स ऑफ ब्रेक्स इज अवेलेबल, हेडिंग पेज ब्रेक मार्क्स बिगनिंग ऑफ ए न्यू पेज। ब्रेक का मतलब बेसिकली यही होता है कि आप जो पुराने पेज पर जहाँ पर आप लिखाई कर रहे हैं, तो चाहे उसके नीचे जगह खाली भी है, फिर भी आप उसको जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, और छोड़ने के बाद जो है अगले पेज पर न्यू पेज से आप स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ब्रेक का बेसिकली यही मतलब होता है। ठीक है, तो आज का जो लेसन था हमने, इसमें जो है वो पेज लेआउट वाली बेसिकली टैब जो स्टडी की है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप जो है वो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे कहूँ, मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको नया लेक्चर नंबर 13 के अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।